Good morning, everyone. In the last lecture, we will learn about a slight introduction about power system security. Now, in continuation with that lecture, in this lecture, we mainly learn we will learn about the contingency analysis. What is contingency analysis? And through a small example, we will understand how it is done. So, major components of power system security assessment is system monitoring, contingency analysis, preventing and corrective actions. System monitoring. The prerequisite of security assessment of a power system is the knowledge of system states. Monitoring the system is therefore persistent. हमें power system की states के बारे में पता होना चाहिए, तो सबसे पहले हमें power system states का estimation हमें लेना पड़ेगा. उसको हम बोलते हैं power system state estimation. Measurement devices dispersed throughout the system help in getting a picture of the current operating state. The measurement can be done in the form of power injection, power flows, voltage, current, status of circuit breakers, switches, transformer change, taps, generator output, etc., which are telemetered to the control centers. हमारे जो power system है उसके अंदर हम जो current operating states है उनको हम telemetered करते हैं, यानी कि दूर से ही हम उनको measure कर लेते हैं. और जो मेनली स्टेट्स जो हम मेनली पैरामीटर्स जिनको मेजर करते हैं वो पावर इंजेक्शंस, पावर फ्लो, वोल्टेज कंट्रोल, फ्रीक्वेंसी, स्टेट ऑफ सर्किट ब्रेकर, स्विचेस, ट्रैप, ट्रांसफार्मर टैप्स, जनरेटर आउटपुट्स एक्सेट्रा. ये हमारे वो पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम टेलीमीटर करके कंट्रोल सेंटर पे हम इनको मेजर करते हैं. और कंट्रोल यूजली स्टेट एस्टिमेटर इज यूज इन कंट्रोल सेंटर टू प्रोसेस दिस टेलीमीटर डाटा एंड कंप्यूट द बेस्ट एस्टिमेट्स ऑफ द सिस्टम स्टेट्स. यूजली कंट्रोल सेंटर के अंदर एक स्टेट एस्टिमेटर होता है जो कि जो टेलीमीटेड डाटा को कंप्यूट करके हमारे को जो सिस्टम का जो बेस्ट एस्टिमेट है वो प्रोवाइड करता है. रिमोट कंट्रोल ऑफ द सर्किट ब्रेकर्स, डिस्कनेक्टर, स्विचेस, ट्रांसफार्मर सेट्स आर जनरली पॉसिबल. द एंटायर मेजरमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम इज कॉमनली नोन एज सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम, स्काडा सिस्टम. जो रिमोट जो एंटायर मेजरमेंट और कंट्रोल सिस्टम है उसको हम स्काडा सिस्टम जनरली कहते हैं. और जो सर्किट ब्रेकर्स है, डिस्कनेक्टर स्विचेस है, ट्रांसफार्मर चेंजेस की जो पोजीशन है उनको हम रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं एट द कंट्रोल सेंटर पे पोजीशन करते हुए. अब नाउ द कंटीजेंसी एनालिसिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पावर सिस्टम सिक्योरिटी का. वंस द करंट ऑपरेटिंग स्टेट इज नोन, द नेक्स्ट टास्क इज द कंटीजेंसी एनालिसिस. Result of the contingency analysis allow the system to operate defensively. Major components of contingency analysis are contingency definition, contingency selection and contingency evaluation. एक बार हमें स्टेट पता हो जाती है पावर सिस्टम की, तो हमारा नेक्स्ट टास्क जो होता है वो कंटीजेंसी एनालिसिस का होता है. अगर हमें कंटीजेंसी एनालिसिस का हमें रिजल्ट पता है, तो हम एक पावर अपने पावर सिस्टम को किस तरीके से सिक्योरली ऑपरेट करा सकते हैं, इसका हमें पाथ मिल जाता है, ये इसका हमें रास्ता मिल जाता है. अब मेजर कंपोनेंट जो होते हैं वो ये तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं, कंटीजेंसी डेफिनेशन, कंटीजेंसी सिलेक्शन एंड कंटीजेंसी इवैल्यूएशन. कंटीजेंसी डेफिनेशन इन्वॉल्व है प्रिपेयरिंग ए लिस्ट ऑफ प्रोबेबल कंटीजेंसीज. कंटीजेंसी डेफिनेशन में क्या होता है कि हम एक लिस्ट ऑफ कंटीजेंसी प्रिपेयर करते हैं. मेनली कंटीजेंसी का मतलब यही होता है कि कोई भी पावर सिस्टम है उसमें कोई सा भी एक अनडिजायरेबल कंडीशन आ जाए. मान लीजिए कि ये बस ही शॉर्ट सर्किट हो जाए, या ट्रांसमिशन लाइन जो है वो आउटेज हो जाए, ये जनरेटर जो है वो आउटेज हो जाए, या कुछ भी ऐसी कंडीशन जो अनडिजायरेबल है पावर सिस्टम के अंदर, उसको हम कंटीजेंसी बोलते हैं. तो सबसे पहले स्टेप है कंटीजेंसी डेफिनेशन में, हम लिस्ट ऑफ प्रोबेबल कंटीजेंसी की ये संभावित हमारी कंटीजेंसी हो सकती हैं, ये संभावित हमारे पास ये अनडिजायरेबल कंडीशन. अब कंटीजेंसी सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सिलेक्टम सेट ऑफ मोस्ट प्रोबेबल कंटीजेंसीज प्रिफर्ड इन प्रिफरेंस. They need to be validated in terms of potential risk of the system. Usually the power flow, fast power flow solution techniques such as DC power flow are used to quickly evaluate the risk associated with each contingency. सब फिर हम उनकी प्रेफरेंस बनाने के बाद हम उसमें एक ही कंटीजेंसी को सिलेक्ट करके उसके ऊपर उस पूरे उसको यूज़ करते हुए उस कंटीजेंसी को के होते हुए फिर वो पूरे पावर सिस्टम में किस तरीके से पावर सिस्टम की स्टेट बन रही है या पावर सिस्टम का किस तरीके से सॉल्यूशन निकल रहा है यूजिंग डीसी पावर फ्लो मेथड्स. ये फास्ट पावर फ्लो सॉल्यूशन टेक्निक होती है जिसमें
न्यूटन रैप्सन और गॉस सीडल में कई सारे अजम्पशंस करके हम डीसी पावर फ्लो मेथड पे आते हैं। तो ये मेनली डीसी पावर फ्लो मेथड जो है यूज़ की जाती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से रिजल्ट हमें एवेल्यूएट करके देती है अबाउट द पावर सिस्टम। तो कंटीजेंसी सिलेक्शन में सबसे पहले कंटीजेंसी लेके और उसको कंटीजेंसी होते हुए फिर पावर सिस्टम में आप उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। फाइनली जो कंटीजेंसीज अलग अलग कंटीजेंसी हैं उनको हम रैंक कर देते हैं और उनकी सिक्योरिटी के हिसाब से कि ये वाली कंटीजेंसी हो जाती है तो पावर सिस्टम सिक्योर है, फिर सेकंड नंबर में ये वाली कंटीजेंसी हो जाती है तो पावर सिस्टम इससे कम सिक्योर है, फिर कोई कंटीजेंसी जिससे कि पावर सिस्टम जो है वो हाईली इनसिक्योर है। तो सिक्योरिटी के टर्म्स में उनकी हम रैंकिंग कर देते हैं और जिसमें कि कोई भी ऑपरेटिंग लिमिट जो है हमारी वायलेट नहीं होगी। फिर प्रिवेंटिंग एंड करेक्टिव एक्शंस आर नीडेड टू मेंटेन अ सिक्योर ऑपरेशन ऑफ ए सिस्टम एंड और टू ब्रिंग टू इट इनटू अ सिक्योर ऑपरेटिंग स्टेट। अब कंटीजेंसी तो हो गई, लेकिन अब हम क्या करेक्टिव एक्शन ऐसा लें ताकि हमारा पावर सिस्टम जो है वो पूरा की सिक्योर ऑपरेशन में हो। करेक्टिव एक्शंस सच एज स्विचिंग ऑफ VAR कंपनसेटिंग डिवाइसेस, चेंजिंग ट्रांसफार्मर टैप्स एंड फेस शिफ्टर एक्सेट्रा आर मेनली ऑटोमेटिक नेचर एंड इन्वॉल्व शॉर्ट ड्यूरेशन। ये जो करेक्टिव एक्शंस हैं VAR कंपनसेटिंग और ट्रांसफार्मर टैप चेंजेस फेस शिफ्टर्स, ये बहुत ऑटोमेटिक नेचर में होते हैं और ये बहुत कम समय लेते हैं। प्रिवेंटिव एक्शंस सच एज जनरेटर रीशेड्यूलिंग इन्वॉल्व्स लॉन्गर टाइम स्केल्स। सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट ऑप्टिमल पावर फ्लो इज एन एग्जांपल ऑफ रीशेड्यूलिंग द जनरेटर्स इन द सिस्टम इन ऑर्डर टू इंश्योर अ सिक्योर ऑपरेशन। जो प्रिवेंटिव एक्शंस होते हैं सच एज जनरेटर्स का रीशेड्यूल करना, ये थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता है और इसीलिए हमें पहले से ही करेक्टिव एक्शंस को हम एनालिसिस करते हुए हम ये सिस्टम को इस तरीके से इंश्योर कर लेते हैं कि ये वाली कंटीजेंसी होने के बाद जो है हमें इस तरीके से रिशेड्यूलिंग करनी है और उससे हमारा जो पावर सिस्टम जो है वो सिक्योर रहेगा। अब हमें एग्जांपल के बारे में देखते हैं ये कंटीजेंसी एनालिसिस किस तरीके से किया। सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें आप दो बस का सिस्टम है, इसमें एक जनरेटर जो है बस नंबर 1 पे है और दूसरा जनरेटर जो है वो बस नंबर 2 पे है और हमारे पास डबल सर्किट लाइन है और हर लाइन की कैपेसिटी जो है 400 मेगावाट है। अब ये जो पिक्चर में आपको शो हो रहा है कि जो यूनिट 1 500 मेगावाट दे रही है, यूनिट 2 700 मेगावाट दे रही है और जो लोड है हमारा 1200 मेगावाट का, वो यूनिट बस नंबर 2 पे है और हर लाइन के ऊपर 250 मेगावाट फ्लो है। ये जो है ये इकोनॉमिक ऑपरेशन है, इकोनॉमिकली डिस्पैच है, यानी कि ये जो जनरेशन फिक्स किए हैं हमने और लाइन के ऊपर जो पावर फ्लो हो रही है ये इस तरीके से हो रही है कि हमारा जो पूरा पावर, ये जो पूरा ऑपरेशन हो रहा है ये कम से कम खर्चे में हो रहा है, इट इज़ इन मिनिमम एक्सपेंसेस, कम से कम खर्चे में हो रहा है। तो ये जो अभी स्टेट है हमारा ये इकोनॉमिक ऑप्टिमल डिस्पैच है, यानी कि इकोनॉमिकली हम इसको डिस्पैच कर रहे हैं। ये अब स्टेट हमें ये पता चल गया कि इस पावर सिस्टम की ये स्टेट है। अब हम मान लीजिए कि हम एक कंटीजेंसी सिलेक्ट करते हैं, ये एक कंटीजेंसी हो जाती है कि जो लाइन है फर्स्ट वाली वो आउटेज हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो यूनिट 1 से जो पावर लोड के थ्रू जो पावर जाएगी वो 500 मेगावाट जाएगी और यूनिट 2 जो है 700 मेगावाट जाएगी, तो लोड जो है वो 1200 मेगावाट है। इस केस में लोड तो पूरा की पूरा जो है वो मेंटेन हो रहा है, लेकिन जो लाइन 2 के ऊपर जो पावर फ्लो हो रही है, क्योंकि एक लाइन की कैपेसिटी 400 मेगावाट है तो उस 500 मेगावाट उसको वॉयलेट कर रही है। ये इट इज़ अनडिज़ायरेबल और ये अनडिज़ायरेबल। इसको देखिए, अब हम इसके द्वारा अब हमने ये एनालिसिस कर लिया कि इस कंडीशन में हमारा जो है हमारी जो है वो पैरामीटर जो है वो वायलेट हो रहा है, यानी कि लाइन की जो मैक्सिमम लिमिट है वो वायलेट हो रही है। अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि हम चेंज कर लेते हैं अपना, पहले वो इकोनॉमिक डिस्पैच था, अब हम एक इस तरीके से कर लें कि हमारा जो जनरेशन है वो 500 मेगावाट के बजाय यूनिट फर्स्ट का 400 मेगावाट हो जाए और जो 700 का मेगावाट का जो जनरेशन का वो 800 मेगावाट हो जाए। अब नाउ इस स्टेट के अंदर हमारे ईच लाइन के ऊपर 200 मेगावाट फ्लो हो रही है
और जो लोड है वो 1200 मेगावाट का, इस केस में हमको ये प्रॉपर्ली मैच कर रहा है, ये प्रॉपर्ली फुलफिल्ड हो रहा है। अब इस केस में हम इस स्टेट में अगर हमारा जो लाइन आउटेज होता है पहला वाला, तो क्या होता है देखिए। अब इस केस में हमारा अगर ये कंटीजेंसी आती, लाइन जो है वो आउटेज हो जाती, तो इस केस में अब हमारे फर्स्ट जनरेटर से जो लोड पे जा रहा होता है वो लाइन के थ्रू 400 मेगावाट ही जा रहा होता है। और इस केस में जो है ये लाइन जो है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वायलेट नहीं हुई होती, तो यानी कि जो आपका पावर सिस्टम है वो पूरा के पूरा सिक्योर स्टेट में आ जाता है। ये इसमें कोई सी भी ऐसा पैरामीटर नहीं होता जो वायलेट हो रहा होता है, तो ये सिक्योर पोस्ट कंटीजेंसी स्टेट है। तो इसमें क्या करा हमने, सबसे पहले जो है वो पावर सिस्टम की एक स्टेट में चूज़ करा, फिर हम कंटीजेंसी लाए, फिर हमने एनालिसिस करा, और एनालिसिस करके हमने पाया कि एक लाइन जो है वायलेट हो रही है, इसलिए फिर हमने करेक्टिव एक्शन लिया, यानी कि हमने जनरेटर्स के जो जनरेशन है उनको चेंज करा, जनरेटर के जनरेशन को चेंज करा। फिर हमने देखा कि उसके फिर उसी कंटीजेंसी होने के बाद जो है हमारा जो पावर सिस्टम है उसमें कोई लिमिट वायलेट नहीं हो रही है, इस तरीके से हमारा पावर सिस्टम जो है वो सिक्योरली ऑपरेट हो रहा है। तो ये हमारा कंटीजेंसी एनालिसिस का एक स्मॉल एग्जांपल के द्वारा, ये कंटीजेंसी एनालिसिस का एग्जांपल है जिसके द्वारा हम ये समझते हैं कि कैसे हम पावर सिस्टम को सिक्योर ऑपरेशन के थ्रू या सिक्योरली ऑपरेट करा सकते हैं बाय सिस्टम मॉनिटरिंग, देन कंटीजेंसी एनालिसिस, एंड देन प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव एक्शंस के द्वारा। होपफुली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। और अगर एग्ज़ाम में अगर कंटीजेंसी का क्वेश्चन आता है या कोई आता है, तो आप ये कि इस वाले स्मॉल एग्जांपल को लेके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये एग्जांपल जो है मेनली लिया हुआ है जो पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल की मेन बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वुड एंड वुडलबर्ग की, उससे लिया हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। थैंक यू।